चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट इज इक्वल टू द फील्ड एट पॉइंट वाई ऑन इक्वेटर ऑफ स्मॉल मैग्नेट। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज, एक छोटा सा बार मैग्नेट हमने लिया, स्मॉल बार मैग्नेट, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है। इसकी लेंथ है हमने कंसिडर कर ली एल, ठीक है। इसका सेंटर जो है ये सी है। इसके एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है एक्स, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स पॉइंट पे जो होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर। अगर मैं ये डिस्टेंस आर कंसिडर कर लेता हूं सेंटर से, ये जो डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस है वो आर है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, सही है। एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और ये एक्सियल लाइन पे। अब इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटर पे एक पॉइंट वाई है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन जो होगा वो ये डिस्टेंस आर डैश कंसिडर कर लेते हैं, तो ये आर डैश क्यूब हो जाएगा, ये आर डैश है ध्यान रखना। अच्छा ये इक्वेटोरियल लाइन पे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में होगी। अच्छा ये एम जो है पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और वाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर डैश क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कटा, एम से एम कटा, टू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन आर क्यूब। और डिस्टेंस का रेशियो कौन सा लेना, एक्स अपॉन वाई यानी आर अपॉन आर डैश, यानी आर इसको उधर भेज दो, आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इज इक्वल टू टू, या आर बाई आर डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू टू होगा, इट मीन्स आर बाई आर डैश इज इक्वल टू टू पे पावर वन बाई थ्री होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, टू पे पावर वन बाई थ्री, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।